हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फ्लिप जंपर में। और आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जो लोग भी फ्लिप्स करते हैं, स्टंट करते हैं, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि वो अगर जो फ्लिप्स करते हैं, स्टंट करते हैं, तो जिस पर आपको ध्यान देना है, कहाँ गलती करते हैं, कहाँ कैसे करते हैं तब आपका इंजरी होता है, और कैसे करेंगे तब आपका इंजरी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आज इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि कुछ दिन पहले हमको इंजरी हुआ था, इसलिए सोचे कि हम अपने सब्सक्राइबर को भी इस बात से रूबरू करा दें कि किस तरह का, कैसे प्रैक्टिस किया जाए कि इंजरी नहीं हो, और किन बातों का ध्यान दिया जाए कि इंजरी ना हो, और किस चीज़ों का जो बुरी आदत होता है, कुछ लोगों का बुरी आदत भी होता है, उसके वजह से भी इंजरी होता है। तो आज इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो अगर जो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इन्फॉर्मेटिव और फ्लिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो इस चैनल पर आता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट अपडेट आपके जल्दी ही पहुँचे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताते हैं आपको कि क्या नहीं करना है फ्लिप्स या स्टंट करने से पहले। तो सबसे पहला चीज़ है कि आप बिना एक्सरसाइज के, बिना बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के, आप कोई भी स्टंट्स का प्रैक्टिस या कोई भी स्टंट्स का स्टार्टिंग ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि बॉडी में आपका खिंचाव कहीं भी आ सकता है। इसीलिए आप लोग को पहले ये बिल्कुल भी नहीं करना है बगैर एक्सरसाइज के फ्लिप। ठीक है, ये पहला चीज़ था। दूसरा चीज़ है कि आप लोगों का अगर जो बुरी आदत होगा, या तंबाकू लेने का या स्मोक करने का, तो ये भी बिल्कुल ना करेंगे। गलतियां हैं जो आप लोग से नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादातर फ्लिप्स करने वाले या स्टंट करने वाले कुछ लोग करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये ना करें, और ज़्यादातर अधिकतर लोग ना नहीं ये करते हैं। और आगे है कि आपको प्रॉपरली डाइट लेना है, अच्छे डाइट लेना है। आप अगर जो क्या वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं डाइट। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर जो आप फ्लिप्स करते हैं, स्टंट करते हैं, तो आपको ये, आपको हर अगिस में ये नहीं करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये ना करें जो जिसका नाम है मास्टरबेशन। आजकल के यूथ में एक ऐसा बन गया है कि इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन इससे जो है आपके शरीर को बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। और अगर जो आप इससे करने के बाद अगर जो आप फ्लिप करते हैं, स्टंट करते हैं, तो आपके शरीर के इंटरनली पार्ट में भी आ जाता है, इफेक्ट हो जाता है। तो ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि आपके शरीर से ज़्यादा दिमाग में आता है, इसलिए आप जब तक स्टंट्स या फ्लिपर मैन जो भी है, दिमाग में उनका अगर जो डर बन जाता है, दिमाग में टेंशन रहता है, तो वही इंजरी होने का चांसेस दो गुना बढ़ जाता है। क्योंकि आप कभी भी देखिएगा जो स्टंट करते हैं या फ्लिप करते हैं, कभी भी देखिएगा जब तक आपके दिमाग में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तब तक कोई भी फ्लिप या कोई भी स्टंट आपका सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाता है। इसी की वजह से आपको ये काम बिल्कुल ही ना करें। ये तो मैं कहूँगा कि इसे हाईलाइट में रखें, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और सारे हमारे साथियों से भी निवेदन है कि ये बिल्कुल भी ना करें। और जो स्टंट्स नहीं भी करते हैं और ये करते हैं, तो बिल्कुल इसे रोक दें, आज ही रोक दें, क्योंकि इनसे जो परेशानियां होता है हमारे शरीर को, आप समझ नहीं सकते कितना परेशानी होता है, तो इसे बिल्कुल ही ना करें। और चलिए नेक्स्ट बताते हैं आप लोग को कि इंजरी कैसे होता है, आप कहाँ किस स्थान पर करते हैं, कैसे इंजरी हो जाता है। अब बताते हैं कि आपको इंजरी कैसे नहीं होगा फ्लिप्स या स्टंट करने में। तो सबसे पहला चीज़ है, आपको सबसे पहले जहाँ से भी मतलब कि ज़्यादा होता है स्टंट्स का, ज़्यादा होता है, वहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी लाना है। जैसे कि आपको क्लाई का उपयोग ज़्यादा होता है, तो इसको आपको ज़्यादा एक्सरसाइज में ले जाना है।
उसके बाद फिर आपके टखने जिसको बोलता है एंकल, इसको आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा एक्सरसाइज में ले जाएं। सबसे पहले फ्लिप जंपर में जब जाइएगा आप चैनल पे, तो आपको कोई भी वीडियो के पहले आपको सबसे पहले वार्म अप दिखेगा, वो वार्म अप आप ज़रूर करें। और कोई भी स्टंट्स करने के पहले आपको शरीर को पूरा खोलना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कोई भी स्टंट्स का प्रैक्टिस करना है या कोई भी स्टंट्स का शुरुआत करना है। देन जो ये बैकबोन है आपको, ये पूरा आपको इसका ख्याल रखना है कोई भी स्टंट्स करने के पहले, क्योंकि जब ये इंजरी हो जाएगा आपको तो आगे बहुत ही दिक्कत होता है। इसलिए आपको बताते हैं कि इसे इंजरी में ना जाने दें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहे आपको कि एक्सरसाइज करने के बाद ही आप इसे कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आपको आपके हिसाब से सरफेस आपके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि आप अगर जो बिगनर हैं तो आपको सॉफ्ट लैंडेड चाहिए, जहां बालू हो या मैट हो वहां आप सबसे पहले करें। उसके बाद धीरे धीरे आप हल्के से कड़े स्थान पर जाएं, जहां हल्का इंजरी भी आए तो आप मैनेज कर सके। और जब आप अच्छे से करने लगेंगे तब आप हार्ड सरफेस पे जाएं, क्योंकि हार्ड सरफेस पे ज़्यादा इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाती है बिगनर के लिए। इसलिए बिगनर में आप सरफेस को अपने हिसाब से चूज करें, अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से चूज करें, ताकि आपको इंजरी ना हो। और आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। ये आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगेगा। हर जंपर और हर स्टंटर के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है इन बातों का ध्यान रखना, और प्रॉपर डाइट का ख्याल रखें, क्योंकि डाइट, जब आपका डाइट ख्याल नहीं रखिएगा, आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा, तो आप अच्छे से स्टंट नहीं कर पाइएगा। तो प्लीज़ इसे डाइट फॉलो जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।